Dear students, in this topic, we shall discuss the transport of oxygen in blood. Oxygen is absorbed from the respiratory epithelium into the blood. About 97% of oxygen absorbed binds with hemoglobin and is transported as oxyhemoglobin in the blood. Only 3% Oxygen dissolves in the plasma and is carried through various plasma proteins and its uh, water content. The ability of hemoglobin to bind with oxygen is known as the oxygen capacity of hemoglobin. It is directly proportional to the partial pressure of oxygen. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ एक वक्त में चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है क्योंकि इसके पास चार हीम ग्रुप्स होते हैं हर हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है इस तरह से एक हीमोग्लोबन मॉलिक्यूल की टोटल कैपेसिटी चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होती है इफ ऑल साइड्स ऑन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल Are occupied by oxygen, the blood is 100% saturated. The oxygen content at 100% saturation level in blood is equal to the oxygen capacity and it is about 20 milliliters per 100 ml of blood at sea level at 1 atmosphere. With a partial pressure of oxygen at about 115 millimeter mercury. Dear students, oxyhemoglobin is unstable at low oxygen concentration and low partial pressure of oxygen. It dissociates rapidly into hemoglobin and oxygen at low partial pressure of oxygen. इन टिशूज़ ऑक्सीजन इज़ शार्पली लिबरेटेड क्योंकि टिशूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फॉल कर जाता है और वहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तकरीबन 60 मिली mm मीटर होता है और लिहाजा जो बाउंड ऑक्सीजन होती है वो लिबरेट हो जाती है रेड ब्लड सेल्स में इंजाइम जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहते हैं वो इस डिसोसिएशन की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है डियर स्टूडेंट्स नाउ शैल डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच एफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ब्लड हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है दैट इज लेबाइल फिक्स्ड नहीं है ये बड़ी नाजक सी है इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द पीएच लेवल ए राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कम हो जाती है दैन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज़ेस, दैन ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीजेस सो कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबन टू होल्ड ऑक्सीजन बिकम्स लेस यही वजह है कि टिश्यूज में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे जाके जब ऑक्सीजन की टेंशन कम होती है तो एज ए रिजल्ट इट हीमोग्लोबन के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन जो है वो उसे फौरी तौर पे छोड़ती है और यूं लिबरेट होती है दैट इज द बेसिस के टिश्यूज में जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलहदा कैसे हो जाती है ये स्टूडेंट्स एफिनिटी फॉर ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन आल्सो डेक्लाइंस विद डेक्लाइनिंग पी एच लेवल ऑफ द ब्लड अगर पी एच लेवल कम हो रहा है मीन्स ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो सूरत में ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम हो जाती है ये जो फिनोमेना है इट इज टर्म्ड एज बोहर्स इफेक्ट और बोहर शिफ्ट बोहर बोहर इफेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं लो पीएच का मतलब होता है इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ये जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जब बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयन जो हैं ये खुद हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन कर जाते हैं इसका नतीजा ये होता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के कम हो जाती है क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन ने बाइंड करना था उस जगह पर हाइड्रोजन आइंस बाइंड हो जाते हैं इसके मुकाबले में अगर पीएच बढ़ने की बजाय पीएच में इजाफा हो जाता है पी एच कम होने की बजाय पी एच अगर बढ़ती है यानी कि अल्कलाइन मीडियम बन जाता है तो इट इंक्रीजिज दी हिमोग्लोबंस एबिलिटी टू बाइंड ऑक्सीजन दैट अगेन कॉजेज प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम करेगी कि ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी जहाँ पे टिश्यूज में जरूरत हो वहाँ पे लिबरेट नहीं होगी तो ऐसी ऑक्सीजन को कैरी करने का भी फायदा नहीं रहेगा दैट इज ऑल्सो डेंजरस दैट इज वाई मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पी एच इज वेरी नेसेसरी